दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोंट नॉक ट्वाइस मूवी को, जिसको डायरेक्ट किया है कैराडॉग डब्ल्यू जेम्स ने। इस फिल्म में एक खतरनाक चुड़ैल आती है जो कि कॉन्जरिंग मूवी की बैचिबा से इंस्पायर्ड है। थोड़ी थोड़ी चीजें करने की कोशिश की गई है, लाइक स्केरी सीन्स, और एक बैक स्टोरी भी है जो कि काफी मजेदार है। मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में हम अंत में जरूर बात करेंगे। अगर आपको इस मूवी को देखने का लिंक चाहिए तो आप मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। स्क्रीन पर आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम आ रहा होगा, या फिर आप सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधा मेरे अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म शुरू होती है जेस एक अमेरिकन स्कल्प्टर को दिखाते हुए, जो कि अपनी बेटी से 9 साल के बाद फॉस्टर होम में मिलने आई है उसको एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए। जेस ने एक अमीर बैंकर से शादी की थी जिसका नाम होता है बेन। अब 9 साल पहले जेस एक ड्रग एडिक्ट थी जिसके कारण उसने अपनी बेटी को ऐसे ही छोड़ दिया था। जेस की बेटी का नाम होता है क्लोई, जो कि जेस का ऑफर रिजेक्ट कर देती है ये कहते हुए कि वो इतने साल तक कहां थी और जो जिम्मेदारी उसको कई सालों पहले निभानी चाहिए थी उनको वो आज निभाने के लिए क्यों आई है, जिससे जेस क्लोई दोनों ही अपसेट हो जाती हैं। खैर अब स्कल्पटिंग करते वक्त जेस की मॉडल टीरा उसको एक लॉकेट देती है जिसको वो एक गुड लक चार्म बताती है, जो कि उसकी बेटी की तरफ उसका प्यार दिखाने में उसको हेल्प करेगा, जो कि थोड़ा सा वियर्ड था। खैर अब हम क्लोई को अपने दोस्त डैनी के साथ देख पाते हैं जो कि यहां के सबसे पुराने घर की तरफ जाते हैं, जहां के रूमर्स ये थे कि यहां पर रहने वाली औरत मैरी एक विश थी और उसने कई सारे बच्चों को किडनैप किया था और फिर खुद सुसाइड कर लिया। यहाँ की मान्यता ये थी कि जो कोई भी इस घर पर 2 बार नॉक करता है उसके पीछे ये विच पड़ जाती है, और ये दोनों ही इस तरह का खेल बचपन में खेला करते थे जिसके चलते ये दोनों इस डोर पर 2 बार नॉक कर देते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। पर जेस को खिड़की से मैरी दिखती है जबकि वो तो मर चुकी थी। डैनी जेस को डराता है और ये दोनों सीधा अपने अपने घर चले जाते हैं। घर वापस आते ही डैनी को कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक शैडो का दिखना और मैरी की स्पिरिट का आकर डैनी के सपनों में उसको डराना, यानी कि वार्निंग देना। अब जब डैनी रात को डर रहा होता है तो क्लोई डैनी को वीडियो चैट करती है, वो भी रात के 3 बजे, लेकिन डैनी इस बात से खुश होता है क्योंकि उसकी हालत टाइट हो रखी थी। वो डैनी से ये भी कहती है कि डिस्टर्ब तो नहीं किया, कम ऑन, रात को 3 बजे लोग सोते हैं और ये कैसा सवाल था कि डिस्टर्ब तो नहीं किया। खैर अब क्लोई एक सेकंड के लिए वीडियो चैट से दूर जाती है और इतने में ही हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि डैनी को कोई ईविल स्पिरिट एक गेट की मदद से अपनी दुनिया में खींच कर ले जाती है। पर जब क्लोई वापस आती है तो उसको भी कोई फुल ब्लैक शैडो दिखती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे वो डैनी को कॉल लगाती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, पर तभी ये ब्लैक शैडो उसके लिए भी आती है और उसका रूम बदल जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि सिंक से किसी के हाथ निकल रहे हैं। वो बहुत तेज तेज गेट को नॉक करने लगती है तो हाउसकीपर गेट खोल देता है और वो बच जाती है। अब अंदर रूम में देखने पर वो रूम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जिसके चलते क्लोई अपनी माँ जेस के साथ रहने के लिए एग्री हो जाती है। क्लोई के शुरुआती प्लान्स तो यही थे कि वो बस यहाँ पर कुछ रातों तक रुकेगी ताकि यह शैडो उसका पीछा ना करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस शैडो ने इसका पीछा इस घर में भी किया था, तो इससे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जगह चेंज करने से कोई भी फायदा नहीं होता। अजीब अजीब से हादसे घर में होने शुरू हो जाते हैं, जैसे क्लोई के सूप में एक दांत का मिलना। जेस को भयानक नाइटमेयर्स आते हैं जहां पर उस ओल्ड हाउस में रहने वाली मैरी सॉरी बोलकर खुद का ही गला काट लेती है। देन मैरी में जेस को अपनी ही झलक नजर आती है, लेकिन यह बस एक सपना होता है। इस चीज को जेस क्लोई को बताती है तो वो बोलती है कि यह वही है जो उस ओल्ड हाउस में रहती है जिसको जिंजर नाम से वो बचपन में चढ़ाया करती थी। क्लोई जेस को ये भी बताती है कि यह एक अर्बन लेजेंड बन गया था कि उस घर में जाके गेट पर 2 बार नॉक जो करेगा उसके पीछे ये चुड़ैल आएगी, और उन्होंने ऐसा ही किया था, यानी कि डैनी और क्लोई ने। लेकिन जेस इन सब बातों पर यकीन नहीं करती और उसको बस तसल्ली देने लगती है। अगली सुबह घर में टीरा आती है अपनी छोटी बच्ची के साथ, जो कि क्लोई को देखते ही डर जाती है और घर से बाहर जाते हुए ये कहती है कि क्लोई किसी और को बिलोंग करती है, यानी कि वो मार्क्ड हो चुकी है और उसके आसपास में ईविल है, जिसके चलते जेस को उससे दूर रहना चाहिए और उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। उसी दिन घर में डिटेक्टिव बोर्डमैन आता है जो कि डैनी के बारे में क्लोई से पूछताछ करने
लगता है। यहाँ पर डिटेक्टिव का क्लोई से एक और लिंक था कि जब क्लोई और डैनी छोटे थे तो उनका दोस्त माइकल भी गायब हो गया था क्योंकि उसने नॉक वाला गेम खेला था। अब इन दोनों का ये मानना था कि ऐसा मैरी ने ही किया है, तो ये रोज रात उसके गेट पर जाकर कई सारी नॉक्स किया करते थे, वो भी इस हद तक कि उसने सुसाइड कर लिया था। पर ये पूरा सच नहीं था, जिसके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा। अब क्लोई खुद ही इन सभी के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है, जिससे उसको काफी कुछ पता लगता है। अब जो मैं आपको बताऊंगा, इस चीज को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि असली पत्ते तभी खुल पाएंगे और मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए होगी। हेल्प इन द सेंस कि आपको यहाँ पर अच्छे से सुनना और समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा। क्लोई इस चीज के बारे में जेस को बताती है कि यह एक एंशियंट डीमन है जिसका नाम है बाबा यागा और इसकी पावर्स लिमिटेड होती हैं। इसको एक ह्यूमन स्लेव चाहिए होता है जो कि इस डीमन को हेल्प करता है इंसानों को फंसाने में और हमारी दुनिया को लाने में। और क्लोई को ये लगता है कि मैरी भी उसी की स्लेव थी और उसके चेस्ट पर ये एक मार्क था। अब गेट पर पहला नॉक करने से ये डीमन जाग उठता है और दूसरी नॉक से ये स्लेव, ताकि वो डीमन को आजाद कर सके। बेसिकली गेट्स और विंडोज पोर्टल की तरह काम करते हैं, और अगर स्लेव को इस डीमन से आजादी चाहिए तो या तो स्लेव को सुसाइड करना होगा जैसे कि मैरी ने कर लिया था, या फिर किसी और को ट्रिक करना होगा ताकि खुद को रिप्लेस किया जा सके, वो भी कुछ बहुत ही ईविल काम करवा के। लेकिन स्टिल जेस उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी। अब तभी हम देखते हैं कि जेस के सामने वाले शीशे में जेस की परछाई नहीं बल्कि किसी की काली शैडो थी, जिसके चलते क्लोई डर के वहां से चली जाती है। पर जब जेस देखती है तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मीनवाइल डिटेक्टिव ने इस घर पर नजर बनाए रखी थी, यानी कि क्लोई और जेस के घर पर। अब हम देख पाते हैं कि जेस क्लोई को अपने साथ अपने वर्किंग स्टूडियो में ले जाती है, जहां पर जेस का थोड़ा सा ध्यान हट जाता है और यहां के स्कल्पचर्स खुद पे खुद मूव होते हैं, जिनको देखकर क्लोई पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। अब नेक्स्ट डे यह पूरा का पूरा स्टूडियो तबाह हो जाता है, जिसका इल्जाम क्लोई पर लगता है और जेस उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। जेस इस फ्लोर पर एक चीज लिखी हुई देखती है जो कि थी शी इज माइन, और यह चीज इसी बाबा यागा ने लिखी थी। माँ बेटी के बीच में फिर से अनबन हो जाती है, पर क्लोई यही कहती है कि ये उसने नहीं किया है। जेस को अब घर के बाहर कुछ फील होता है तो वो एक बड़ा सा नाइफ लेकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। घर के अंदर क्लोई को मैरी की स्पिरिट वार्न करती है कि वो यहाँ से भाग जाए और बाबा यागा आ रही थी, और क्लोई रूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन पगली गेट बंद करने से क्या होगा, वो तो गेट से ही आती है। अब यह रूम फिर से एक पोर्टल की तरह काम करता है और बाबा यागा घर में आ जाती है, जिससे वो क्लोई को अपनी दुनिया में ले जाने ही वाली थी, लेकिन जेस आकर उसको बचा लेती है। अब की बार वो क्लोई की बात सुनती है और पूरे घर के गेट्स ये लोग जला देते हैं ताकि बाबा यागा यहाँ पर ना आ सकें। अगली सुबह जेस देखती है कि एक जला हुआ गेट फ्रंट पोर्शन में लगा हुआ है और जंगल का एक सीन दिख रहा होता है, जहाँ से एक ईविल फोर्स आती है और सीधा क्लोई को धक्का दे देती है, जिससे उसको चोट आती है, और बाबा यागा उसको खींच कर अपनी दुनिया में ले ही जा रही थी, पर जेस फिर से उसको बचा लेती है, जिससे बाबा यागा फिर से नाकाम हो जाती है। पर जब ये फिर से मेन गेट की तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई गेट नहीं था, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि बाबा यागा को बुलाने के लिए गेट पर नॉक करना पड़ता है, लेकिन ऐसा होने के बाद वो किसी जगह से भी एंट्री ले सकती है। अब यहाँ पर मतलब बचपन में तो जेस ने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन अब ये सारी की सारी कसर निकाल देगी। क्लोई और जेस अब जाकर टीरा से मिलती है, जो कि ये कहती है कि ये बाबा यागा नहीं है। व्हाट, उसकी अपीयरेंस सेम है फिर भी ये बाबा यागा नहीं है। खैर, वो कहती है कि इंटरनेट की सारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका कहना था कि ये मैरी की स्पिरिट है, जिसको सब ने चुड़ैल बोला था और उस पर गलत इल्जाम लगाए गए थे, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया था, और क्लोई ने भी उसको चुड़ैल कहा था, जिसके कारण ही मैरी की स्पिरिट क्लोई के पीछे पड़ी है, ना कि बाबा यागा। क्लोई अब इस बात का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है और वो दूर भाग जाती है। वो पूरी रात सड़कों पर ही बिता देती है, जिसके चलते फॉस्टर होम वाले उसको फॉस्टर होम में ले जाते हैं। टीरा जेस को इस चीज को ठीक करने का एक इलाज बताती है, जो कि था कि मैरी के साथ जो गलत हुआ और जिसने ऐसा किया उसको पकड़ा जाए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। वो एक स्ट्रेंज बात कहती है कि अगर वो सच्चे दिल से प्रे करेगी तो शायद से मैरी उसकी हेल्प करेगी। अब बाय कोइंसिडेंस जेस को अपनी कार में एक स्कल्पचर का टुकड़ा मिलता है, एक बच्चे का स्कल्पचर। जब वो अपने स्टूडियो में जाती है तो वहां उसको स्कल्पचर में एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर माइकल और मैरी के बारे में था, और एक पेन ड्राइव, जिसको चेक करने पर उसमें डिटेक्टिव बहुत चिल्ला चिल्ला कर मैरी से बात कर रहा था, बेसिकली उसको इंटेरोगेट कर रहा था। अब जेस डिटेक्टिव को फोन लगाती है, क्योंकि उसने बताया था कि मैरी के यहाँ से माइकल नाम का लड़का कई सालों पहले गायब हुआ था। जेस को अब फॉस्टर होम वाले बुलाते हैं और उस पर ड्रग्स को फिर से यूज करने का एक्यूजेशन लगाते हैं, क्योंकि
क्लोई कल रात सड़कों पर भटक रही थी। जेस और क्लोई अब इस फॉस्टर होम से भाग जाते हैं क्योंकि असलियत वो दोनों ही जानते थे, और सीधा टीरा को फोन लगाते हैं टू हेल्प हर, और वो उनको पार्क के पास आने को बोलती है। लेकिन तभी वहां पर एक गटर की एंट्री आती है जिस पर क्लोई खड़ी हुई थी। दो बार नॉक होती है और बस क्लोई को बाबा यागा अपनी दुनिया में खींच कर ले जाती है। गुस्सा होकर जेस सीधा जाती है मैरी के घर पर, जहां पर वो एंट्री लेने की कोशिश करती है, लेकिन उस चक्कर में उसके खुद के ही पैर पर चोट लग जाती है एक कील से। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ कर ले जाती है, लेकिन जाने से पहले जेस ने इस गेट पर दो बार नॉक कर दिया था ताकि बाबा यागा उसको भी अपनी दुनिया में ले जाए ताकि वो क्लोई को बचा सके। और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि इस गेट पर एक गोट का साइन बना हुआ था जो कि लूसीफर का साइन है, और ये हमने कई सारी मूवीज में देखा है कि विचेस लूसीफर की गुलाम होती हैं, तो इट मेक सम सेंस। अब डिटेक्टिव जेस को इंटेरोगेट करता है जो कि बस मैरी का नाम लेती है, लेकिन वो उस पर बिलीव ही नहीं करता। तभी वो अपने पैर में लगी हुई चोट को खरोंच लेती है और खून से दीवार पर कुछ लिखती है, और बस बाबा यागा आके उसके लिए अपनी दुनिया का पोर्टल ओपन करती है जो कि काफी वियर्ड था। लाइक बाबा यागा उसको अपने साथ ले जा सकती थी क्योंकि जेस भी तो मार्क्ड हो गई थी आफ्टर नॉकिंग ट्वाइस। खैर इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। डिटेक्टिव मॉनिटर में देखता है तो उसको जेस कहीं पर भी नजर नहीं आती। पुलिस स्टेशन में लाइट फ्लिकर होने लगती है और अंदर जाकर देखने पर जेस के द्वारा लिखा गया मैसेज था जो कि ये था कि यू नो वेयर टू फाइंड मी। जेस बाबा यागा की दुनिया में थी जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर जेस को किसी की आवाज आती है जो कि उसको सीधा बाबा यागा की गुफा के पास ले जाता है। यहाँ पर हमको माइकल भी दिखता है जिसकी एज बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी, मीनिंग इस दुनिया में टाइम और स्पेस काम नहीं करते। बाबा यागा यहाँ पर एक बच्चे को खाते हुए भी दिखाई जाती है टू फीड ऑन देयर एनर्जी। पर जेस किसी तरह से क्लोई को यहाँ से छुड़वाती है, और जब बाबा यागा उनको पकड़ने वाली होती है तो डिटेक्टिव मैरी के घर पर जाकर दो बार गेट को नॉक कर देता है, जिससे बाबा यागा का ध्यान थोड़ा सा उसकी तरफ चला जाता है। ये दोनों बचकर उस गेटवे की तरफ भागती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन बाबा यागा डिटेक्टिव को अंदर खींच कर ले जाती है और जेस उसको मरने देती है क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैरी की इस हालत का जिम्मेदार वो था। घर पर अब बेन वापस आता है जो कि बाहर किसी काम से गया हुआ था, तो वहां पर वो घर पर आकर किसी को देखता है और पुलिस को बुलाने की बात करता है। हम देखते हैं कि ये तो टीरा है जिसने बेन को मार के एक कार में डाल दिया है, और वो भी एक स्लेव थी बाबा यागा की, क्योंकि उसके चेस्ट पर हमने ये मार्क देखा था जो कि खुद पे खुद गायब हो जाता है। और अब खुलते हैं असली पत्ते। असल में टीरा ने ही जेस को ये लॉकेट पहनाया और उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाँ डिटेक्टिव ही गलत आदमी है और माइकल को गायब करने में उसका हाथ था और मैरी को उसी ने फंसाया था। जबकि क्लोई ये बताती है कि डिटेक्टिव ने उनकी बातों पर यकीन किया था कई सालों पहले और उसी ने सबको संभाला था। टीरा ने यहाँ पर एक इनोसेंट इंसान को फंसाया और अपना स्लेव होना ट्रांसफर कर दिया जेस को एक इनोसेंट की जान दिलवाकर। अब आपको याद होगा कि इस डीमन के स्लेवरी से हटने के दो रास्ते थे, एक तो सुसाइड करने का जो कि मैरी ने कर लिया था, और दूसरा किसी और को ट्रिक करके और उस इंसान से अनजाने में एक मासूम की जान दिलवाकर। तो टीरा ने जेस को फंसाकर ये सब करने पर मजबूर किया। अंत में अब यह लॉकेट बर्न होना शुरू हो जाता है और अब बाबा यागा की नई स्लेव जेस बन जाती है क्योंकि उसकी चेस्ट पर वही मारा गया था। हम बाबा यागा की दुनिया का पोर्टल ओपन होते हुए देखते हैं और वो इस दुनिया में आ जाती है। तो अब सबसे पहली शिकार मेरे हिसाब से जेस की बेटी ही होगी, क्योंकि अगर उसने स्लेवरी नहीं की तो वो भी मारी जाएगी। अल्टीमेटली ये दोनों ही मारे जाएंगे और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट नॉक ट्वाइस की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी। पर्सनली मुझे फिल्म ठीक ठाक लगी। कुछ हॉरर एलिमेंट्स काफी अच्छे थे, लेकिन कुछ चीजें काफी बुरी थी और थोड़ा सा पास्ट और दिखाना चाहिए था। और मुझे एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी कि ये सिर्फ मैरी के ही घर का गेट बजाकर क्यों ये कर शुरू होता है। अगर कोई स्लेव सुसाइड कर ले तो उसी के यहां से नॉक करने वाली प्रक्रिया शुरू होती थी, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन था। अब ये भी हो सकता है कि और भी बहुत सारे पोर्टल्स और स्लेव्स होंगे जहां से ऐसा हो सकता हो, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं गया। या फिर मेरे हिसाब से मैरी इस डीमन की फर्स्ट विक्टिम होगी। लाइक मैरी ने कुछ इच्छा पूरी करने के लिए उसको बुलाया होगा, तो शुरुआत में तो डीमन ने मैरी की इच्छा पूरी की होगी और बाद में इस कर्स में फंसा लिया जिसके चलते मैरी ने सुसाइड कर लिया। पर यहां पर अब एक और मिस्टेक नजर आती है कि टीरा के पास ये लॉकेट कहां से आया और उसको ये कर्स कहां से मिला। कई सारी कमियां मूवी के अंदर थी, लेकिन कुछ
पार्ट्स काफी एंटरटेनिंग लगे। एक बार तो मूवी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर बाबा यागा का पास्ट तो हमको बताया गया, लेकिन उसके स्लेव कैसे बनते हैं या फिर वो थोड़ी सी और बातें क्लियर हो जाती तो मजा आ जाता। और जेस इतनी डंप कैसे थी, टीरा उसको एक लॉकेट दे रही है और उसने ले भी लिया। जब उसने बाबा यागा को इग्नोर किया था तभी इनको समझ जाना चाहिए था। एटलीस्ट यहाँ पर क्लोई ने तो बाबा यागा को देखा था, तो उसको तो समझ ही जाना चाहिए था कि टीरा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसी कारण से मैं इस मूवी को 5 स्टार देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। वीडियो पसंद आए तो इसको ढेर सारे लाइक्स करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लीजिए घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को। एक लाल रंग का बटन है उसको ग्रे कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे।